हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मीटर। और आज हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के ऊपर। ठीक है, तो इसकी हमने थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, इसके हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सारे प्रॉब्लम्स एक बार क्वेश्चन आप गो थ्रू कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने से, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? आप पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पहले समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसा है। देखो, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस तरफ, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है वी, और हमको एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट के अबाउट। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया? देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, इसको मैं मान लेता हूँ आर परपेंडिकुलर। तो इसका एंगुलर मोमेंटम एल क्या हो जाएगा बच्चों? एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर टर्म्स में लिखना चाहूँ तो आर क्रॉस एम वी भी लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात अभी कर रहे हैं। तो एम वी आर परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू आई, जो कि है कॉन्स्टेंट। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है एम वी आर परपेंडिकुलर, ये इसका एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सिटिंग फर्मली ओवर अ रोटेटिंग स्टूल हैज़ आर्म्स स्ट्रेच्ड, व्हाट विल बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ ही फोल्ड्स हिज आर्म। ठीक है, तो इसके लिए आप ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। तो ये जो बंदा है, इसने अपने आर्म फोल्ड कर लिया, और ये हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया है इसका। ठीक है, कि इससे क्या होगा? तो जैसे ही वो आर्म अपना फोल्ड कर लेगा तो क्या होगा, उसका आई कम हो जाएगा, आई डिक्रीज हो जाएगा। और हमने क्या देखा था कि आई ओमेगा अगर कांस्टेंट है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, अगर आई ओमेगा कांस्टेंट है, आई कम हो रहा है तो डब्लू इंक्रीज होगा। तो ये हम देख भी सकते हैं अपने इस डेमोन्स्ट्रेशन से कि जब आई बढ़ रहा है, हैंड स्ट्रेच हो रहा है, तो डब्लू कम हो रहा है, और जब हैंड फोल्ड हो रहे हैं, आई कम हो रहा है, डब्लू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। एक व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये हमने व्हील बनाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा है आई। ठीक है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये इसकी एक्सिस हमने मान ली कि ये है। दोबारा बना लेता हूँ, इसकी एक्सिस में मानो कि ये इसकी एक्सिस है, और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसका ये हमको रेडियस दिया हुआ है आर। इट पिक्स अप अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास एम एट इट्स एज, फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। अब इसने क्या किया, एक पार्टिकल आया यहाँ पर, और ये पार्टिकल आके यहाँ पर इस पर चिपक गया। ठीक है, इस पर चिपक गया, तो अब हम देखें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क तो नहीं लग रहा है बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो इनिशियली जो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम था, क्या था, आई इंटू ओमेगा, जो व्हील का सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम था आई इंटू ओमेगा। अब इसने एक पार्टिकल को यहाँ पे पिक कर लिया, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे इस पर चिपक गया, तो इस पार्टिकल का, अब ये पार्टिकल भी रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम इंटू आर स्क्वायर। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, आई प्लस एम आर स्क्वायर। आई टोटल की मैं बात करूं अगर,
जो ये सिस्टम हमारा नया सिस्टम बना व्हील और ये पार्टिकल का, ठीक है, ये हो गया टोटल आई। अब देखो एल तो कांस्टेंट है, तो शुरू में जो था आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वन, तो ओमेगा वन मेरा क्या आ गया आई डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज सेट इनटू मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ लीनियर स्पीड वी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एन एंगुलर स्पीड वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी बाय आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क हमको दिया हुआ है, इसका मास एम है और रेडियस आर है, और इसको मोशन में डाला गया हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर, और इसकी जो मोशन में लीनियर स्पीड है वो वी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एंगुलर स्पीड है ओमेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ ऑफ द डिस्क। तो हमको क्या बताना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम डिस्क का बताना है अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ। देखो बच्चों ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले अगर हम बात करें सेंटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जो इसकी सेंटर है, इसका जो एक्सिस है बॉडी का जो रोटेट कर रहा है, इस फ्रेम में हम बात करें, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसका मोशन देखूँ सेंटर पर बैठ के, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम अगर मैं इसको एल नॉट लिख लूँ तो आई इंटू ओमेगा, ठीक है, बॉडी का मोमेंटम क्या हो गया आई इंटू ओमेगा, हम यहाँ से बैठ के अब देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से ओ से देख रहे हैं, तो ओ से देखने पर एक बॉडी की क्या है इस तरफ लीनियर स्पीड भी है बॉडी की इस तरफ, ठीक है, इस तरफ इसकी लीनियर स्पीड भी है। एंगुलर मोमेंटम की मैं बात करूं इस वी की वजह से, तो वो कैसे निकालेंगे, लाइन ऑफ एक्शन की से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर, ठीक है, और ये हो गया वी, और इसका मास है एम, तो ये जो हमारा एल वन आ गया ई क्या आ गया आर क्रॉस एम वी, ठीक है, या फिर एम इंटू वी इंटू आर। अब यहाँ से जो मोमेंटम निकलेगा टोटल, टोटल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओ, एल विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या हो जाएगा एल नॉट प्लस एल वन, ठीक है, एल नॉट प्लस एल वन, तो एल नॉट मेरा है आई इंटू ओमेगा और एल वन है एम वी आर, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूँ, डिस्क है तो डिस्क का आई क्या होता है बच्चों, डिस्क का आई होता है हाफ इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा वी है इसको ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, या फिर ओमेगा को वी के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप जैसे भी इसको लिखना चाहो। अब इसमें एक और चीज़ हमारी देखने वाली क्या होगी कि इसके डायरेक्शन क्या है, जो आई हमने एल नॉट और एल वन की हमने जो वैल्यू ऐड कर दी इनकी डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे कि भाई ये किस तरफ इसकी डायरेक्शन है। अब देखो ये ओमेगा इस तरफ घूम रहा है, अगर मैं बात करूँ ओमेगा इस तरफ घूम रहा है, तो इसका जो अगर मैं इसका एल की बात करूँ जो मेरा ये टर्म था, तो किस तरफ है इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड, और अब मैं इसकी बात करूं आर क्रॉस वी, ये मेरा आर है और मेरा वी है, तो मैं इसमें भी जा रहा हूं इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं इस सवाल में आपको कहता, अगर मैं कहता इस सवाल में आपको कि वी या ओमेगा किसी की भी डायरेक्शन एक में ऑपोजिट कर देता, अगर मैं कहता कि वी की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाता दोनों टर्म्स, क्यों, क्योंकि अब देखो R क्रॉस V आपका किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और ओमेगा आपका अंदर की तरफ जा रहा है, तो माइनस हो जाता। सिमिलरली अगर मैं कह दूं कि ओमेगा एंटी क्लॉक वाइज है और V इस तरफ ही जा रहा है, उस केस में भी माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा प्लस हो रहा है क्योंकि ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम सेम ही है, ठीक है, दोनों की वजह से, जो हमारा लीनियर पार्ट है और जो हमारा सेंटर फ्रेम से देख रहे हैं उसमें हमारा जो एंगुलर रोटेशन की वजह से आ रहा है वो भी हमारा सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू टोटल की मैं अगर बात करूँ, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस
एम इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, या फिर अगर वी स्क्वायर बाय आर भी इसको लिख सकते हैं, जैसे आप करना, सॉरी वी बाय आर। तो देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट सवाल। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 केजी मीटर स्क्वायर एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको एक रिम दिया हुआ है व्हील का, जो एक व्हील होता है उसके अंदर आप देखते होंगे कि ए स्पोक लगा होता है, उसके ऊपर टायर लगा होता है, इस रिम के ऊपर टायर लगा होता है, तो इसको रिम बोलते हैं। तो इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और इसका हमको दिया हुआ है रेडियस। द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, इनिशियली व्हील इज एट रेस्ट, द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एफ हमको दे दिया 20 न्यूटन, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो बच्चों मोटा मोटे इस तरीके का हमारे पास व्हील है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर हमने ऐसे इसके अराउंड रस्सी रैप कर दी है, स्ट्रिंग रैप कर दी इसके इस साइड में ऐसे ऐसे रैप करके, और इसको ऐसे इधर है, और फिर हमने इसको पुल किया, इस रस्सी को हमने पुल किया, एफ दिया हुआ है मेरे पास 20 न्यूटन, या फिर टेंशन ले लो एफ ले लो, एक ही बात है। अब देखो ये जब इसको हमने पुल किया तो इस व्हील का मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और इसका मेरे को रेडियस दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें हम जो फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, ये फोर्स जो लगा रहे हैं ये क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। अबाउट क्या टॉर्क है, तो हमको एक्सिस चाहिए या फिर अगर पॉइंट चाहिए, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो टॉर्क लग रहा है किस एक्सिस के अबाउट, तो ये हमारी एक्सिस दी हुई है कि जैसे अगर मैं ऐसे 3D की बात करूँ तो ऐसे इससे पास करती हुई एक्सिस है, जो मान लो कि ऐसे लगी हुई है इस तरफ, ठीक है, ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस से हम जहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं वो है ये हमारा आर, ऐसे यहाँ से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो रस्सी जब हम खींच रहे हैं यहाँ से तो इस पॉइंट के अबाउट फोर्स लगेगा, जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रस्सी हमारी कॉन्टैक्ट में नहीं है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमने पुल किया और यहाँ से क्या है रस्सी पूरी रैप्ड रहेगी, तो इसको फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ से ये जो फोर्स लग रहा है इस तरफ और इस पॉइंट के अबाउट, अब मेरे को टॉर्क निकालना है इस फोर्स का, तो यहाँ से मैं ये इसका आर इस तरफ हो जाएगा, ये मेरा आर का मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये है और डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, तो टॉर्क निकल गया। अगर मैं ऐसे बात करूँ अपने एक्स और इसको वाई, तो इस तरफ मेरा टॉर्क आ जाएगा, ये R है ये F है, तो R से F की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमारी थम्स आ जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा J, ठीक है, I जैसे I है ये J है, तो I क्रॉस J क्या हो जाता है, K कैप, समझ में आ गया। तो यहाँ से मेरे पास टॉर्क निकल के आ गया, तो टॉर्क निकल के आ गया, तो उसको टॉर्क का अगर मैं बात करूँ क्या होता है, अगर टॉर्क होता आई इंटू अल्फा, तो यहाँ से मेरे का क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे करना है, तो चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो टॉर्क कितना आ गया, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ टॉर्क के, तो एफ इंटू आर, क्योंकि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, साइन थीटा की ज़रूरत नहीं है, तो 20 न्यूटन है और 20 सेंटीमीटर है, इसको SI यूनिट में करेंगे तो मीटर में 0.2, तो ये मेरा आ गया 4 न्यूटन मीटर, ये मेरा टॉर्क आ गया। अब टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू 4, तो आई मेरा कितना दिया हुआ था 0.2 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 4 बराबर, तो अल्फा मेरा आ गया 4/0.2 इज इक्वल टू, ये हट गया यहाँ से, 10 ऊपर आ गया और 2 आ गया, 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये अल्फा मेरा आ गया ये। अब मेरे को क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आप इक्वेशन से निकाल सकते हो, जो रोटेशन मोशन या एंगुलर मोशन जो भी आप कहना चाहो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से, तो ओमेगा नॉट मेरा 0 था, रेस्ट में दिया हुआ है बॉडी को, और 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मेरा ये आया इंटू 5, तो ये मेरा आ गया 100 रेडियन पर सेकेंड।
तो इस सवाल से हमने क्या सीखा कि एक रस्सी बांध के अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे तो कुछ समय बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर वैसे कुछ सवाल हमको कैलकुलेट करने तो हम कैसा फंडा, क्या कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों, ये सवाल क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम टी जीरो फ्रॉम अ पॉइंट पी विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ, और इसकी हमको स्पीड भी दे दी, तो स्पीड दे दी और डायरेक्शन दे दी स्पीड की, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो ये हमारा बन गया डायग्राम। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट पी एट टी इज इक्वल टू 4। तो टी इज इक्वल टू 4 पे हमारे को बॉडी का एंगुलर मोमेंटम और उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं बच्चों ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। देखो, सपोज हमने माना कि पार्टिकल कहीं भी है, किसी भी पोजीशन पर है, यहाँ पर मैंने मान लिया। अब इस सिचुएशन में पार्टिकल की जो स्पीड है वो इस तरफ है, ऐसे है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट इसका एक्स तरफ रहेगा और एक रहेगा वाई तरफ हमेशा। वो अलग बात है कि ये वेरिएशन होता रहता है कि वाई कंपोनेंट इसका वेरी होते रहेगा, लेकिन हम मान रहे हैं कि इसके हमेशा दो कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने माना वी एक्स और वी वाई, और मैं इसको कैप इसमें डाल देता हूँ, डायरेक्शन भी लिख देता हूँ, वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। अब इस पॉइंट पे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है, इसका आर वेक्टर है। अब इस आर वेक्टर के भी दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, आर इधर एक्स और आर वाई, आर एक्स आर वाई आई कैप। ठीक है, तो अगर हम पार्टिकल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस वी। ठीक है, तो वही चीज हमको यहां पर निकालनी है। ठीक है, अब मेरे को दिया हुआ है 4 सेकंड में, 4 सेकंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या है। तो देखो वी एक्स की मैं बात करूं तो वी एक्स क्या हो गया बच्चों, वी एक्स हो गया बच्चों 40 × cos 45 आई कैप, और वी वाई, वी वाई क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे मेरा वी वाई नॉट क्या था, वी वाई नॉट की बात करूँ इनिशियल तो यही था, मतलब कि साइन लग जाएगा उसमें वो, लेकिन वैल्यू सेम आएगी, साइन 45 माइनस, अब देखो वी इस तरफ है ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, -10 × 4, तो ये कितना आ गया, ये मेरा आ गया 40/√2 − 40 जे कैप। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, एक्स वी एक्स और वी वाई की वैल्यू आ गई 4 सेकंड के ऊपर। ये तो मेरा आ गया बच्चों वी, अब मेरे को आर निकालना है, तो आर देखो क्या होगा, आर होगा एक तो इसका एक्स निकालना है और वाई निकालना है, तो एक्स निकालना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो एक्स निकालना है तो ये क्या हो जाएगा वी एक्स या यू एक्स इंटू टी, ये तो सिंपली निकल के आ गया मेरा, इसमें हम अपना टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 40/√2 × 4 आई कैप, ये तो मेरा आ गया एक्स। अब मैं बात करूँ वाई की, तो वाई के लिए मैं अपनी लगा दूंगा इक्वेशन वी नॉट जो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या फिर माइनस जो भी कहना चाहो आप, तो आ गया 40 × sin 45 वी वाई जो इनिशियल था इंटू टी माइनस हाफ ऑफ 10/4 स्क्वायर, तो ये मेरा वाई निकल के आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 160/√2 माइनस ये पूरा 160 हो गया, 40 × 4 माइनस ये कितना है 16/2 8 × 10 = 18, ये आ गया मेरा जे कैप। अब मेरा आर भी आ गया और वी भी आ गया, तो मैं अगर एल निकालना चाहूँ तो इससे करके निकाल लूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप इससे करके निकाल सकते हो, और इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं यूज़, इसको निकालने के लिए हम अपना मैट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहो बस कर सकते हो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो बच्चों ये सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टॉर्क अब एक्टिंग ऑन द बॉडी शोन इन द फिगर अबाउट द पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ है, इसमें पॉइंट नहीं दिया है, ये पॉइंट ओ है, तो इसका हमको टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो बच्चों देखो टॉर्क निकालने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि लाइन ऑफ एक्शन या फिर लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ फोर्स जो भी कह लो आप, वो किस तरफ है।
तो इन हमारे चार फोर्सेस दिए हुए हमारे पास, इनका लाइन ऑफ फोर्स हमको दिया हुआ है। इसमें से एक फोर्स की क्या खास बात है, देखो एक फोर्स जो है ये जो 5 न्यूटन का है, ये बॉडी के थ्रू या फिर हमारे जो पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, उसके पास कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया, अगर बॉडी के थ्रू या फिर उस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है तो टॉर्क ये कितना करेगा, जीरो, क्योंकि उसके लिए कोई डिस्टेंस नहीं है फोर्स का। अगर फोर्स का कोई लिवर आर्म नहीं है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये फोर्स तो हो गया कैंसिल, ये हमारा कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब बच गए हमारे पास कितने, 3 फोर्स। तो बच गए हमारे पास 3 फोर्स। अब देखो ये फोर्स है 10 न्यूटन, इसका जो 4 सेंटीमीटर, ये भी शायद 4 सेंटीमीटर है, इसको मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट के अराउंड या फिर ओ के अराउंड, अपने रेफरेंस के अराउंड बात करूँ, तो आर इधर है। अब मैं अब इसको अपना एक्स वाई प्लेन में ले लेता हूँ, ये मेरा एक्स है, ये वाई है। तो मेरा ये जो आर आया इसके लिए, ये कितना आया, माइनस आई कैप, और ये है जे कैप। तो माइनस ए से जे की तरफ जाएगा, तो ये माइनस के कैप का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये वाला मेरा कर रहा है माइनस के कैप की तरफ। अब ये सिर्फ हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो ये वाले फोर्स की बात करूँ मैं, इस फोर्स की वजह से, अब इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ मोशन इधर है, ये इसका आर इधर आ गया। तो आर इसका देखो किधर है, जे, और एक्स का एफ किधर है, माइनस आई। तो इसका आ गया जे क्रॉस माइनस आई, तो ये मेरा आ गया के कैप। ठीक है, इसकी वजह से, सेकंड वाले की वजह से। और अगर मैं थर्ड की बात करूं, अब मैं इस वाले फोर्स की बात करूं, देखो इसके दोनों कंपोनेंट है, एक इधर है और एक इधर है। तो ये जो ये वाला कंपोनेंट है, ये तो कुछ टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ये पास कर रहा है हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, जो पॉइंट जिसके अराउंड मेरे को टॉर्क निकालना है। तो ये वाला ही फोर्स जो इसके अप्लाई हो रहा है, इसका जो कंपोनेंट है एक्स की तरफ, वही प्रोड्यूस करेगा टॉर्क। तो इसके मैं बात करूँ तो ये इसका हो गया आर, आर हो गया माइनस जे कैप, और एफ हो गया इसका आई कैप। तो माइनस जे क्रॉस आई, तो ये भी आ गया मेरा के कैप। ठीक है, आपने देख लिया कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है। और अब मैं बात करूंगा मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों देखो, ये तो हमारे पास दिया हुआ था 4, ये 6 दिया हुआ है, तो इसका और इसका हम ये वाला कंपोनेंट निकाल लेंगे। ये एंगल दिया हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, 6 sin 37। ठीक है, 6 sin 37 आ जाएगा, ये 6 sin 37 ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और ये डिस्टेंस मेरे को दिया हुआ है इसमें, लेकिन मेरे को फोर्स के कंपोनेंट निकालने हैं, तो फोर्स के कंपोनेंट निकालने हैं, तो वो भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ। अब देखो कैसे निकलेगा, ये मेरा 150 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो ये मेरा एंगल कितना हो गया, अगर मैं पैरेलल की बात करूँ, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लूँ, तो ये एंगल मेरा कितना हो गया 30, और ये हो गया 60। ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, एफ इंटू कॉस 60, और ये हो गया मेरा एफ इंटू साइन 60। अब साइन 60 तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ कॉस 60 प्रोड्यूस करेगा। और आप इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट समझाने के लिए है कि टॉर्क कैसे निकालना है। देखो अब फोर्स ये दिया हुआ है, फोर्स 2i3j - 4k N इज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ये। फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ व्हिच पोजीशन वेक्टर इज दिस। तो देखो हमारे पास एक फोर्स दिया हुआ है जो एक्ट कर रहा है, सपोज इस तरफ इस तरीके से एक्ट कर रहा है एफ। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिया हुआ है 2, -3 और 6। अब इसका टॉर्क मेरे को बताना है इस पॉइंट के अबाउट ओ, और इसको मैं मान लेता हूँ पी। तो अगर मेरे को टॉर्क निकालना है ओ के अबाउट, तो मेरे को ओ से पी का मेरे को पोजिशन वैक्टर चाहिए, ओ पी वैक्टर चाहिए। ओ पी वैक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, पी वैक्टर, अगर मैं सिर्फ सिंपली बात करूं उसको, पी माइनस ओ वैक्टर जो भी है। ठीक है, तो 2i - 3j + 6k - 2i - 5j + 3k। तो मेरा ओ पी वैक्टर आ गया, ओ पी वैक्टर कितना आ गया, 0i - 3 + 5 हो गया, 2j + 6k - 3k कैप, ये मेरा आ गया क्या,
आर, अगर मैं आर की और एफ की टर्म्स में बात करूँ तो आर मेरा आ गया और एफ मेरे को दिया हुआ है, तो अगर मेरे को टॉर्क निकालना है तो कैसे निकालूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई जे के, इधर लिखूंगा आर 0, 2, 3 और इधर लिखूंगा एफ 0, 2, 3 - 4 ये आर है, ये एफ है, ठीक है, आर क्रॉस एफ कर रहे हैं, तो इसके थ्रू मैं निकाल लूँगा अपना टॉर्क, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और थोड़ा आपका डर भी ख़त्म हुआ होगा अब इनका, तो थोड़ा विजुलाइज़ करना आपका, अब क्लियरिटी आ गई होगी विजुलाइजेशन में कि कैसे हमको सोचना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आने वाले वीडियोज़ में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों को मिलाकर, रोलिंग। अभी तक हमने क्या देखा कि बस चक्का घूम रहा है, पहिया घूम रहा है और कोई बॉडी मूव कर रही है आगे, लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि पहिया घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो ये चीज़ हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।